आप ईपीएफ के सदस्य हैं और ईपीएफ के मेंबर पोर्टल पर अगर आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कुछ एरर दिखाई दे रहा होगा। वो एरर क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूं। तो पीएफ में आ रही है प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी जो सर्विसेज हैं उसका भी उपयोग नहीं कर पा रहे होंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है और वो एरर कौन सा है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मेंबर पोर्टल का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है और यहाँ पर आप एक एरर देख पा रहे होंगे जिस पे लिखा हुआ है ERRSQE0 अनेबल टू गेट द कनेक्शन। अगर आप भी मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी इस तरह का एरर दिखाई दे रहा है तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसका क्या सोल्यूशन है और ये एरर क्यों दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो ये वाला एरर है ये ईपीएफओ के सर्वर का एरर है और इसका सोल्यूशन भी ईपीएफओ के पास ही है, यानी कि हम इसे चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते। जितनी जल्दी ईपीएफओ इस समस्या को सुलझा लेगा उतनी जल्दी हम मेंबर पोर्टल के डैशबोर्ड पर लॉगिन कर पाएंगे। तो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्द ईपीएफओ की तरफ से इसका कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा या फिर ये जो एरर बार बार हमें दिखाई दे रहा है ये एरर को फिक्स कर दिया जाएगा, जिसके बाद हम मेंबर पोर्टल का डैशबोर्ड जो है वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो उम्मीद करूँगा छोटी सी जानकारी थी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।